अपने मैट हटा रखे, उनमें मॉइस्चर आ रहा है। 75R15 2 स्नोचेन, ये भी सेट चाहिए। लगेज ट्रे अलोंग विद द जेरिकैन ऑफ 20 लीटर्स, ये है। आई थिंक ये एडजस्ट भी हो जाते होंगे आगे पीछे। ओहो, इसलिए लगी नहीं है किसी पे भी गाड़ी पे। ये है आपका रूफ टॉप, ये रही है अपनी गाड़ी। और इसको मैंने जब से सच पास आया ना, मैंने इसको धुलवाया नहीं है। आज होने वाला हमारी गाड़ी के साथ कुछ एक्सट्रीम लेवल काम। जैसे मैंने अपने मैट हटा रखे हैं, मैट हटाने की वजह बहुत बड़ी है, उनमें मॉइस्चर आ रहा है। अब ये मॉइस्चर आ क्यों रहा है ये नहीं मुझे पता। चलो, मैंने गाड़ी इतनी ज्यादा पानी में भी कुदा के नहीं रखी कि इसमें मॉइस्चर आ जाए। ये मैंने सारे मैट से यहाँ रखे हुए भाई, कवर करके। अब इनको आने के बाद ही लगवाऊंगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्री। सुबह के बजे हुए 9 और हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। बट ऑफिस जाने से पहले मैंने अपनी गाड़ी को कहाँ छोड़ना है, मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं बात कर रहा था कि हम अपनी गाड़ी को सबसे पहले छोड़ा था हमने सार्क ऑटोमोबाइल, जो कि पहले बंद था। उसके बाद हमारे ट्रिप शुरू हो गए। अभी थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम है, जो जो चीज होती जा रही है वो मैं करवा ही रहा हूँ साथ के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगा भाई, आप सजेस्ट करोगे मैं जाऊँ कहाँ पे? आप अपनी लोकेशन बताओ कि भाई ऐसी लोकेशन में जाना चाहिए, तो हम पक्का भाई उस लोकेशन में जाएंगे अपनी बोलेरो नियो लेकर के। मैं अपनी गाड़ी को चला चुका हूँ 7994 किलोमीटर, 7994, जो कि ऑलमोस्ट मैंने भाई 80% चला रखी है अपने ट्रिप्स पे, 20% चला रखी है अपने लोकल, जैसे ऑफिस हो गया या अपने घर से इधर उधर जाने के लिए। बाहर खड़े हैं मम्मा भाई एप्पल लेकर के, अभी जा रहे हैं हम अपने घर। फिलहाल मम्मी को वहाँ छोड़ेंगे, मिस्त्री वगैरह आ रखे हैं। मेरी लाइफ इतनी तेज भाग रही है, इतनी फास्ट भाग रही है, मुझे पता ही चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। दे दो एप्पल। अरे वाह, इसको रख दो पीछे, इसके बाद मैं सीट कवर लूंगा। ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है मम्मी गाड़ी में? ऊंची नहीं है, देखा भाई गाड़ी है ऊंची हमारी। जहाँ पे हम गाड़ी छोड़ रहे काम करवाने के लिए, उन्होंने पता नहीं कितनी बार चढ़ना उतरना है। बोल दूंगा उसको भाई यहाँ पे मैट या लिफाफे बिछा दे, ताकि जो हमारा जो ब्लैक वाला कारपेट है वो गंदा ना हो। भाई देखो, एक सांस में मैं कितनी ज़्यादा बातें आपसे कह गया, कितनी ज़्यादा कहने को बाकी हैं अभी। भाई आपका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, स्पीति ट्रिप हो चाहे सच पास हो चाहे लद्दाख वाला ट्रिप, भाई मज़ा आता है ऐसा प्यार देख करके। जब और जब आपके मेन में कमेंट्स देखता हूँ ना भाई, अद्भुत अविश्वसनीय। और मैं जब भी ट्रिप पे जाता हूँ मम्मी रोने लगती है, पता नहीं क्यों। क्यों रोती है मम्मी, पूछ लो। क्योंकि पता क्या है, आप सब बोलते हो ना कि क्या सिस्टम है, तो पूछ लो भाई क्यों रोते हो मम्मी। मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, गाय रुक गई आगे, मम्मी बोलती नहीं कुछ भी। अकेले जाए फिर डर लगता है, मम्मी बोलती है कि अकेले जाते तो डर लगता है, और किसको लेके जाऊं साथ में। आप चलो चलना, इतना सफर कैसे करते भाई। जिस हिसाब से मैं सफर करता हूं, उस हिसाब से मम्मी कभी सफर नहीं कर सकते। एवन भाई स्पीति, लांगजा और हिकम मैं भाई 2-3 दिनों में कवर करके आ गया। तीसरे दिन में घर में था और चौथे दिन में ऑफिस में था। 5 दिन में मैंने लद्दाख कवर कर दिया। लोग लगाते भाई 14-15 दिन, भाई 5 दिन में लद्दाख कवर करके आया है। चलो भाई, ये तो होगी बातचीत आपसे बहुत ज्यादा। अब सीधा आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या काम चला हुआ है हमारे घर का। और बहुत से लोग ये बोलते हैं भाई ये अपने व्लॉग्स में थोड़ी थोड़ी देर टाइम के बाद ये अपना घर दिखाना क्यों शुरू कर देता है। अचीवमेंट है वो तो दिखानी है ना आपको, कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ बिजी रहता हूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो दिखानी पड़ती है कि आजकल आपका भाई यहाँ पे बिजी है, तो उस चीज़ों का बुरा मत माना करो। अगर बुरा मानते तो मैं नेक्स्ट टाइम से दिखाना बंद कर दूंगा कि भाई मत देखो। थोड़ी भी सारी लाइफ जीना हुआ भाई, मम्मी ना जान खा जाती है। देख लो, सुन लो पहले क्या बोलते हैं मम्मी, बोलो। कैमरा ऑन होते मम्मी की जवान बंद हो जाती है भाई। अब नहीं बोलना कुछ भी, गाड़ी एक तो ज्यादा बाउंसी है, ज्यादा इधर झोल खाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी है, तो इतना तो इसका लाजमी होता ही है भाई। स्पीड का मम्मी, मेरी स्पीड है भी नहीं मम्मी, ना अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। एक्चुअली हमारी जो लैंग्वेज है वो मंडियाली है। 9:13 मुझे यहीं पे हो चुके हैं, और फिलहाल जो अपना वर्कआउट है घर का वो कुछ ऐसा सा है भाई। नीचे कच्चा फर्श वगैरह पड़ गया है, अभी POP वाला आ रहा है, वो यहाँ पे सेटिंग कर जाएगा। ये अपना पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे अपनी पूरी ड्राइंग बनेगी भाई, गाड़ियों से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड। ये इतना पोर्शन मैंने छोड़ रखा है। ये अपनी जो दीवार है ये भी कम्प्लीट होगी। हाँ, तो दीवारें वगैरह जो है भाई पूरी ऑलरेडी सेट ही हैं। ज़्यादा कुछ मुझे बोलना आता नहीं है, क्या बोलूँ यार, मिस्त्रियों से लड़ झगड़ झगड़ के मैं परेशान हो चुका हूँ। लड़ना मुझे भी पसंद नहीं है, पर लोग ना काम करते नहीं है भाई, पैसे लेंगे फिर उसके बाद जो है गायब हो जाएंगे। अभी मैं टेंट नहीं लगवाने वाला, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है चंडीगढ़ में भी घूमती है और इधर उधर घूमती है, तो यहाँ पे चलान के खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रूफ टॉप टेंट लगाने के बाद। वैसे तो भाई देखो, जेरी कैन लगाई हो ऊपर और कैरियर लगाया तब भी ये रोक ही लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस वाले, क्योंकि ये चंडीगढ़ नहीं ये चलानगढ़ है। और मेरे आगे चलिए पुलिस वालों की बस, जिसके ऊपर भाई AC का कंडेंसर लगा हुआ बाहर, क्या मस्त वाला लगा ना आउटर। और इसमें लगी है ऑनिंग,
तो ये जो ऑनिंग है ना भाई, इसको देख करके मुझे भी याद आ गया कि ऑनिंग हमें भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी रुक जाते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप रहती है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ऑनिंग। और ऑनिंग भी मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार के बीच में कॉस्ट करती है। एक आती है फुल ऑनिंग, एक आती है हाफ ऑनिंग, तो मैं देखता हूँ भाई हाफ वाली लगवाऊंगा। जो अभी का सिनेरियो ये है कि ऑनिंग अगर मेरे बजट के अंदर पड़ती है, वैसे तो 20 से 25 मैंने आइडियाज़ है पता किया था, अगर 15-18 हज़ार के बीच में पड़ती हो तो मैं डलवा दूंगा आज। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सार्क ऑटोमोबाइल। भाई एक तो यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी खड़ी रहती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा लूज हो जाता है भाई। क्या करे हो अमर जी, आपके पास कितनी गाड़ियाँ? वैसे मैं बता रहा था कि हाइलक्स, थार, जिमनी, ये सब गाड़ियाँ और भी हैं और बना रखी है बड़ी टिप टॉप, बहुत अच्छी गाड़ियाँ लग रही है। मेरे पास 4 गाड़ियाँ जरा। ओके, लेजेंडर है, जिमनी है, ओके, थार है और ये हाइलक्स है। ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, अल्टीमेट। मैं बोल रहा हूँ मैं छोटी सी गाड़ी लेके आया हूँ, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे हमारी गाड़ी तैयार होगी। अभी तभी तो तैयार होगी। रिसेंट सच पास गया, उसके बाद एक दिन से फटाक से प्लान बना, मैं स्पीति भाग गया, लांगजा हिक्के वगैरह कंप्लीट करके आया, फिर मतलब अब जाते हैं यहाँ पे, हो गया ट्रिप। हाँ कंप्लीट, बस इसके बाद अब मेरा है गोम्बो रंजन। हाँ। अपना जांसकार इस साइड का, तो मैं पहले तैयारी करवा ही लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिस्क नहीं लेना। बिल्कुल। और मेन मेरा एक स्नो चेन का भी है, इसका टायर साइज है हमारा 235 75 R15। हाँ जी, हो जाएगा। हाँ, दो स्नो चेन ये भी सेट चाहिए और वो ऊपर वाला सेटअप। ऊपर वाले सेटअप हम लोग जो करने जा रहे हैं, लगेज ट्रे अलोंग विद द जेरिकैन 20 लीटर्स। देखिए ऐसे है, टुडे सैटरडे, ओके, आज क्या होगा, मैं इसकी फ्रेम असेंबली सारी कंप्लीट करूँगा, ओके, एंड आई विल ट्राई टू लाइक मैं इसको मंडे इवनिंग या ट्यूसडे को मैं आपको फाइनल फिटमेंट दूंगा। ओके, फिर तो ठीक है, मतलब क्या है आज भी गाड़ी यहीं रहेगी और आज गाड़ी ऐसे, अगर आप शाम को लेके जाना चाहते हो आप ले जाओ, ओके, मैं आज वाला जो मेरा काम है वो मैंने कर देना है, ठीक है, फिर मैं गाड़ी आपकी सीधी कॉल करूँगा ट्यूसडे सीधा, ट्यूसडे को फिटमेंट होगी, गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। बस ठीक है डन, तो अभी गाड़ी यहीं पे, शाम को आता हूँ मैं, अभी ऑफिस निकल जाऊँगा और शाम को मिलूंगा आपसे। मैं नहीं मिलूंगा, मेरी फ्लाइट है, मैंने निकल जाना आज 3 बजे। ओके, शाम को मैं नहीं मिलूंगा, आप शाम को आ जाना, गाड़ी या लड़के आपको हैंड ओवर कर देंगे। ओके, फिर आपने कब आना है? मैं आ जाऊँगा कल शाम तक वापस। जब मैं गाड़ी परचेज करी पहले दिन में सबसे पहले टायरों का काम कराया। आपने सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ सेट कर रखा है? आयरन मैन का नाइट्रो गैस सस्पेंशन लगा है इस गाड़ी के अंदर। बहुत प्यारा, बहुत यूनिक, और सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ लग रही है ना वो ये है, आई थिंक एडजस्ट भी हो जाते होंगे आगे पीछे। ओह ना, इन फ्यूचर में कभी मैं गाड़ी लूँगा ना तो कुछ इस तरीके से बनाऊँगा मैं अभी, भाई ड्रीम है अभी। ठीक है, मैंने इसका एक बहुत मेजर आइटम मंगा रखा है, वो 40 दिन तक बाई सी आएगा वो। ओके, जब वो आएगा तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी पूरे नॉर्थ की सबसे बढ़िया गाड़ी होगी ये वाली। अलग ही, और ऊपर से जो कलर है ना, स्टांस आ रहा है इसका, नेक्स्ट लेवल। ऑफ रोड बम्पर जो आया लेटेस्ट। ओए होए 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 होए, गाइस ये देखो है ना, जबरदस्त चीज़, यानी कि इसमें आप वो लगा के खींच भी सकते हो ना, चेसी के साथ है कनेक्टेड है। लो आप यहाँ पे टोइंग अपना वो ब्रैकेट लगा के ट्रॉला खींच लो जो करना करो। गजब, ये होती है भाई चीज़ें एक्सट्रीम और जिसपे पैसा भी खर्च हुआ होता है चीज़ों पर। और इसमें तकरीबन तो भाई बात तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी बुलेरो आ जाएगी जितना इस पर खर्च हुआ है। फिर भी अप्रॉक्स इसमें हो चुका होगा 15-16 लाख रुपए का खर्चा। कुछ नहीं है अभी तक इस गाड़ी के ऊपर, 8-1 लाख रुपए खर्च हुआ है। ओके, लेकिन अभी जो खर्च होने वाला है 40 दिन तक वो एक्सट्रीम है, अभी छोड़ दो, अभी जब वो लगाएंगे फिर बताएंगे ये क्या है वो। ओके, फिर तो आपको दिखाएंगे एक बार गाड़ी, बाकी इसका रिव्यू भी दिखाएंगे। फिलहाल मैं भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बट थोड़ा सा लुक आपको दिखा देगी गाड़ी कैसी लग रही है भाई। ड्रीम कार्स ऐसे नहीं बोला जाता इन चीज़ों को, और वैसे भी टोयोटा का इंजन है और टोयोटा का भरोसा। कुछ हमारा आ चुका है, कुछ समथिंग लाइक दैट है, बट ये अभी तैयार नहीं है, ये जब रेडी होगा ना भाई तब लगेगा आपको हकीकत में पता कि ये चीज़ है क्या, ये बेस है सिर्फ। वाह, अगर ये लग गया तो मज़ा आ जाएगा कुछ इस टाइम में ना, कोशिश करेंगे। यस श्योर, ठीक है जी, उठाओ पैर के साइज ले लो, पैर कहाँ कहाँ लगाने हैं। मतलब बैग इतना हैवी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माल भरा पड़ा हुआ है, खाने का काम और सारा कुछ है। हेलो अंकल जी, टाइम है 10:33, अपने ऑफिस पहुँच गए, बैग उठा करके शाम को जाएंगे फिर से गाड़ी लेने के लिए। 6:33
और फाइनली अभी छुट्टी होकर के ऑफिस से निकले हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए। आज काम कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी का जो काम है भाई वो होगा आई थिंक ट्यूसडे को। आज जो मार्केशन वगैरह थी मैंने आपको मॉर्निंग में दिखा दी थी, और उसके बाद जो एक रूफ में लगेगा ना वो उसका बिम्बरा का लगता है, एक लोगो टाइप आता है, हम उसका एक जुगाड़मेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आज पूरा दिन गाड़ी को वहीं पे छोड़ा हुआ था। और हालत आप देख ही रहे ना भाई क्या रहती है, आज जल्दी निकला मैं ऑफिस से भाई। टाइम 7:03, अभी पहुँच चुके हम साख में, अपनी गाड़ी आ रही है भाई, खड़ी कहीं करी हुई थी उसको। और ये जो हम दिखा रहे हैं ना भाई, ये है आपका रूफ टॉप नहीं स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर लाइट ऐसे कवर भी होती है ऐसे। अच्छा ये पूरी लाइट है, ये ओ ये तो नेक्स्ट लेवल है। अब तो गाड़ी आती है ना सबसे पहले इसको चेक करेंगे, अगर लगेगी ना मैं अभी लगा के जाऊंगा फिर। यार ये तो बहुत प्यारी फील देगी ये बुलेरो में, तो आई थिंक ये वाली लाइट तो होगी भी नहीं लगी अभी तक बुलेरो में किसी के पास भी, और स्मोकी अब तक नहीं लगी है। अरे बुलेरो में एक तो वो लगाते हैं जैसे स्कॉर्पियो नहीं होती साइड पिलर में, वो वाली लाइट लगाते हैं अप्रॉक्स, वो भी होगी आपके पास तो। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, ये लाइट ऐसे रहेगी वही यूनिक लगेगी, मज़ा आएगा देखने में। चलो देखते हैं अभी, क्योंकि स्पॉइलर ऊपर कैरियर के ऊपर टैंक आएगा और फिर ये लगेगी तो। 7:06 अपनी गाड़ी आ चुकी है, अभी गाड़ी में कुछ काम नहीं हुआ भाई, आज ऐसी खड़ी कर दी मैंने। ये है भाई वो जो ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना रूफ टॉप लाइट। चेक करते हैं अपनी गाड़ी में फिट आती भी है या नहीं, आगे तो भाई नेक्स्ट लेवल फन हो जाएगा। अभी तक नहीं लगी है। हाँ सीरियसली लगी नहीं है किसी पे भी गाड़ी पे। अच्छी लगेगी रात के जब लगी, देखो जैसे चल रही है ना। हाँ लग तो अच्छी रही है टॉप पे भाई, फील नेक्स्ट लेवल देगी है, पर ये फिटिंग अच्छी आ जाए बस। फिर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है गाड़ी में, तो जो आपके साथ शेयर करी ही जाएंगी आने वाले टाइम तक। अपना कमेंट जरूर बताना भाई ये चीज़ कैसी लग रही है गाड़ी। वैसे गाड़ी उठी हुई अच्छी लग रही है, इसकी वायरिंग गई है, ये वायरिंग कुछ अजीब सी लग रही है ना, हमारे में वायरिंग अंदर से ही हो जाएगी। स्पीति ट्रिप के बाद गाड़ी को धोया तक नहीं है, कल संडे है कल धुलवाएंगे, गाड़ी की हालत देखो क्या है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे। मैं देखो जब मैं दुकान में जाता हूँ ना तो मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। सीन क्या रहता है, ये लाइट ना बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों भाई लाइट ऑन रहनी चाहिए, बंद हो जाती है जब खिड़की वगैरह जो बंद करते हैं ना थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, पता नहीं क्या सीन है। वैसे मेरी ए स्टार और भी गाड़ियाँ होती हैं कि ऑन करो तो ऑन ही रहती हैं, इसकी बंद हो जाती हैं मार्केट में, तो मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। और भी चीज़ें बहुत सी पसंद आई हैं बट भाई इतना मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। अभी स्नो चेन, जेरी कैन, रूफ टॉप कैरियर और सस्पेंस वाली लाइटें हैं वो छोड़ के कुछ और भी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मुझे पता है आप बोलोगे भाई रूफटॉप कैरियर तो लगा नहीं, फिर गाड़ी क्यों बनाई, गाड़ी का ये टाइटल क्यों डाला, क्यों आपने गाड़ी छोड़ी थी यहाँ पे, तो भाई उनको ना डायमेंशंस लेनी थी। बुलेरो नियो का रूफटॉप कैरियर जो है ना वैसे वो आता है ना जैसे टैक्सी वाली, वो वाला हमने लगवाना नहीं है, हमने गाड़ी इसीलिए छोड़ी थी ताकि जो हमारी गाड़ी का रूफ टॉप कैरियर रहेगा ना भाई वो यूनिक रहेगा। बताएंगे हम किस टाइप का बना रहे हैं तो जो फील देगा कि भाई स्पेशली बुलेरो नियो के लिए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को आज छोड़ा हुआ था। अभी हमारी गाड़ी जाएगी मंडे या ट्यूजडे फिर से भाई, जब वो तैयार हो जाएगा फिर हम इस पे वो इंस्टॉल करवा देंगे, फिर देखना आप लुक भाई ठीक है। फिर आपका जो अभी पेशेंस धैर्य बना हुआ ना भाई वो धैर्य टूटेगा, मज़ा आएगा ना, तभी सस्पेंस थोड़ा सा रहना चाहिए। और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ओ भाई यार नेक्स्ट लेवल का एहसास होता है, मज़ा आता है यार वीडियो बनाने में और थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करने में। तो भाई रिक्वेस्ट है, या तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज।